सो गाइस कैसे हो। अब देखो यार, मंथ के हमारे जितने भी रॉयल पासेस आए हैं, जैसे कि मंथ 1 से लेके मंथ 8 रॉयल पास तक, उन सबसे ज्यादा तगड़ा हमारा मंथ 9 का रॉयल पास होने वाला है। क्योंकि भाई साहब, मंथ 9 रॉयल पास के साथ में आ रही है भाई 4th एनिवर्सरी हमारे गेम के अंदर। तो यार सोच सकते हो मंथ 9 का रॉयल पास कितना ज्यादा तगड़ा होने वाला है। वेल, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मंथ 9 रॉयल पास की, जितनी भी 1-50 आरपी रिवॉर्ड निकल गए सब दिखाऊंगा। साथ में भाई साहब एक ब्रांड न्यू मोड आने वाला है एनिवर्सरी का हमारे गेम के अंदर, 4th एनिवर्सरी का। उसकी भी हमारे पास बहुत सारी लीग निकल के आ चुकी है। और भाई साहब न्यू इवेंट आने वाले हैं गन वगैरह के, जिससे कि हमें फ्री में मिलेगा एनिवर्सरी मोड पे। तो सब कुछ सारी लीग आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज आज की इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस अपनी कैरेक्टर आईडी कमेंट कर देना, कल के दिन एक रॉयल पास का गिव हम निकालने वाले हैं, तो कमेंट के अंदर जोर से कर देना। सबसे पहले इसका क्रेडिट जाता है हमारे प्रियांग गेमिंग भाई को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्द से 200 के करा दो उनके। अब गाइस सबसे पहले यहां पर 1.9 की ब्रांड न्यू लॉबी देख सकते हो भाई साहब, जो कि आप अपडेट करते ही ये वाली लॉबी आपको मिलेगी BGMI साथ में पबजी मोबाइल के अंदर। देख सकते हो पीछे एक लेवल 3 का हेलमेट रखा है। और भाई साहब ये 4th एनिवर्सरी की कंप्लीट लॉबी होने वाली है। गाइस आप सभी को पता होगा नेक्स्ट जो कोलैबोरेशन आ रहा है 1.9 में, वो किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं होगा, हमारी 4th एनिवर्सरी का अपडेट मोड देखने को मिलेगा गेम के अंदर। और गाइस यार यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ, बहुत सारे बंदों के पास कैरेक्टर वाउचर वगैरह नहीं है, तो वो कार्लो वगैरह एंडी वगैरह सारा वगैरह खोल नहीं पाते। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर फेस कस्टमाइजेशन के अंदर बीपी से आप ये वाला फेस को आप अनलॉक कर सकते हो, वो भी 800 बीपी से। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, ये कार्लो से भी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। इसके लिए आपको यूसी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीपी से आप अनलॉक कर सकते हो फेस कस्टमाइजेशन के अंदर जाके। और गाइस यहाँ पर देखो, खाली यही नहीं भाई साहब, फीमेल फेस भी आ रहा है यहाँ पर देख सकते हो, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है भाई साहब, आप कोई से भी लगा सकते हो। उसके बाद में फाइनली जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे, न्यू ब्रिज। और गाइस सिर्फ यहाँ पर हमारा मिलिट्री वाला चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर नोवो और मिलिट्री वाले दोनों ब्रिज को चेंज कर दिया है। पहले कितना छोटा ब्रिज था, बट फाइनली अभी गाइस इतना बड़ा ब्रिज हो चुका है ना, यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर लोकेशन एड की गई है। सबसे पहले मैं आपको चारों साइड से दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। वेल, अगर हम नीचे ब्रिज के नीचे कूद जाते हैं, तो गाइस यहाँ पर हमें ऊपर चढ़ने के लिए देख सकते हो कुछ टाइप से बनाया हुआ है, जो कि पबजी पीसी में काफी टाइम पहले से आ रखा था। और गाइस अब यहां पर वीटा वर्जन का कुछ ग्लिच है, बट जैसे अपडेट आएगा ये भी फिक्स हो जाएगा। तो गाइस यहां पर देख सकते हो भाई साहब क्या ही लोकेशन है, यहां पर बैठ के आप कैंप कर सकते हो और ऊपर भी इजीली चढ़ सकते हो लिटरली। उसके बाद में गाइस यहां पर देख सकते हो 1.9 के अंदर फाइनली यहां पर व्हीकल को ऐड किया गया है, जिसका नाम होने वाला है माउंटेन बाइक। और भाई साहब ये इरेंगल, मिरामार, बिकेंडी वगैरह सभी में मिलेगी, आई थिंक कुछ इस टाइप से रहेगी। यहां पर ये वाली बाइक, ये फोल्डेबल बाइक होने वाली है, जिसे कि आप उठा के अपने बैग के अंदर भी कैरी कर सकते हो, कहीं पर जोन वगैरह के अंदर जाने की जरूरत पड़ी इसे फोल्ड करके आप मतलब ओपन करके फिर से जा सकते हो। तो भाई साहब ये इतना सभी आवाज नहीं करेगी, बहुत मजा आने वाला है लिटरली 1.9 के अपडेट के अंदर। अब गई इस फीचर्स का तो आप भी मेरी तरह वेट कर रहे होगे। गाइस यहाँ पर व्हीकल के अंदर भाई साहब आप अपना कोई भी चॉइस कर सकते हो, म्यूजिक मतलब कोई भी म्यूजिक वगैरह सेट कर सकते हो। अब आई थिंक मुझे ये नहीं पता, यहाँ पर देख सकते हो चॉइस करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर आ रहा है। शायद से आपके अंदर फोन के अंदर जो म्यूजिक होंगे वो भी आप लगा सकते हो व्हीकल के अंदर, जहां तक मुझे पता है। बाकी अगर गेम वाले म्यूजिक लगा सकते हैं तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रॉयल पास की लीग मैं आपको दिखाता हूँ। चलो गाइस मैं आपको अब मंथ 9 रॉयल पास के रिवॉर्ड दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपके 15 सेकंड लेना चाहूंगा प्लीज। सो गाइस विंजो पर है 100 से भी ज्यादा गेम और काफी सारे ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। विंजो का फ्री बैटल ग्राउंड इंडिया टूर्नामेंट ज्वाइन करो और जीतो हर गेम में कैश रिवॉर्ड। यहाँ पर गेम हारने पर भी कैश जीतो। इतना ही नहीं, विंजो स्टोर से खरीदो गूगल प्ले कार्ड और वो भी बेस्ट प्राइस में, और कई सारे ब्रांड के वाउचर और सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हो आप। रोज खेल कर यहाँ पर गूगल प्ले कार्ड और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री में जीत सकते हो। डाउनलोड करते ही 50 रुपए का बोनस मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिरियान सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारा जो मंथ 9 का रॉयल पास का लोगो, अब यहाँ पर प्लस और नॉर्मल वाला जो लोगो है सेम ही है, कुछ इस टाइप से हमें दिखेगा। उसके बाद में हमारे RP M10 यानी मंथ 10 के लोगो भी फाइनली रिवील हो चुके हैं। अब गाइस बात करें यहाँ पर 50 RP का मिथिक सेट, जो कि भाई साहब मंथ 9 का होने वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस मुझे कमेंट करके बताना ये आपको सेट कैसा लगा। फिलहाल यहाँ पर देखो इसने कुछ हेड पे पहना है, एक तो हेड गियर है, बाकी यहाँ पर देख सकते हो पीछे आग से निकल रही, भाई कितना तगड़ा मिथिक सेट है ये लिटरली। जितने भी मंथ के सेट आए ना, मुझे सबसे ज्यादा प्यारा ये वाला भाई मंथ का सेट लग रहा है। बाकी इसका ऑफिशियल लुक निकल के आएगा वो हम जब तक देखेंगे। अभी यहां पर देखो कुछ इस टाइप से इसका हेड गियर रहेगा, फिलहाल सेट कुछ इस टाइप से अंदाजा लगा सकते हो। ओके, अब ये बात करते हैं हमारे फर्स्ट RP का सेट, जो कि मंथ 9 रॉयल पास का होने वाला है। तो वो यहां पर कुछ इस टाइप से इसका लुक रहेगा, कुछ यहां पर ग्रीन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। बाकी इसने हेड पे यहां पर एक टोपी सरसा पहना है, उसमें गॉगल पहने हैं। बाकी इसके
गले में एक हेडफोन से। तो ये फर्स्ट आरपी का सेट है जो कि आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद में ये वाली लेजेंडरी आउटफिट आपको मिलेगी रॉयल एडवेंचर के अंदर। इसके लिए आपको रॉयल एडवेंचर खेलना पड़ेगा, वहां पर आप 520 ड्रॉप से ये वाला सेट आप रिडीम कर सकते हो। बाकी आपको कैसा लगा, मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा, शायद से एक मेल आउटफिट है। काफी टाइम से आरपी रॉयल एडवेंचर के अंदर ये फीमेल सेट डाल रहे थे, बट उस बार अब यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद में 40 आरपी पे हमें इस बार मिलेगी कार्ड 98K की स्किन। भाई साहब देखो इसका लुक देख सकते हो, कुछ यहाँ पर हमारा किस में बोलेंगे ब्राउन कलर के अंदर है, कुछ चॉकलेटी सी कलर की लग रही है कार्ड 98, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रही। बाकी आपका इस कार्ड 98 के ऊपर क्या कहना है जरूर से बताना, ठीक है। ये आपको 40 आरपी मिलेगी, काफी टाइम से कार्ड 98 की स्किन नहीं आई थी, बाकी देखते हैं। अब गाइस ये वाली जो आरपी ट्रेजर क्रिएट है एक बार फिर से वापस आ रही है, लाइक वापस तो नहीं बोलेंगे, ये रॉयल पास की आउटफिट है, रॉयल पास के सारे आइटम्स है, ये दोबारा से आ रही है। आप मुझे बता सकते हो कौन सा रॉयल पास है, मुझे तो नहीं पता कौन सा रॉयल पास है। बाकी ये मिथिक सेट देख सकते हो, उसके बाद में मिथिक सेट यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद में यूएसजेड। भाई ये यूएसजेड कितनी ज़्यादा तगड़ी है ना, लाइक मुझे ये वाली चाहिए, अगर मिल जाती है तो बाकी देखते हैं, इसकी ओपनिंग करने का हम ट्राई करेंगे। एंड ये वाली यूएसजेड काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ओवरलोड लॉर्ड यूएसजेड जो भी है। उसके बाद में ऑर्नामेंट देखो यहाँ पर, स्टार ऑर्नामेंट, ये भी काफ़ी सही है, क्यूट सा ऑर्नामेंट है, कितना छोटा सा, अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद में नीचे देखें तो भाई साहब बहुत सारे आइटम है इसके अंदर, एक ग्रेनेड की स्किन है, सिकल ग्रेनेड, तो ये भी काफ़ी सही है ग्रेनेड। और गाइस इतना ही नहीं, यहाँ पर फोर्थ एनिवर्सरी पे एक न्यू इवेंट आ रहा है जिसका नाम है क्लासिक रिटर्न, द चॉइस इज योर। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ ये इवेंट फाइनली आ चुका है, और गाइस ये इवेंट कंप्लीट तरीके से फोर्थ एनिवर्सरी पे आएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जितने भी, जब सबसे पहले पबजी मोबाइल रिलीज हुआ था और जब से लेके अब तक जितनी भी स्किन्स वगैरह हमारे गेम के अंदर आई थी भाई साहब, सारे इस इवेंट के अंदर है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर एक टाइप से यहाँ पर हमें इसे बोट करना पड़ेगा, जो भी सबसे फेवरेट आपकी बोट जो मतलब आउटफिट है, गन की स्किन है, जो आप चाहते हमें मिले, ठीक है, तो वो आप यहां पर इसे वोट का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर वोट कर सकते हो। अब वोट करोगे तो वोट करने के बाद यहां पर फोर्थ एनिवर्सरी जैसे ही आएगी, जिस अगर आपके वोट और बाकी ऑडियंस जितने भी सबके सबसे ज्यादा वोट हुए जिस चीज पे, तो वो आपको इवेंट के थ्रू मिल जाएगा वो चीज, या कोई स्पिन्स वगैरह आएगा, या कोई भाई साहब क्रेड वगैरह में आएगा वो चीज। बाकी गाइज हो सकता है फोर्थ एनिवर्सरी पे भाई साहब फ्री में दे दें चीजें, बाकी सबसे ज्यादा वोट आएगा तो भाई साहब वो रिटर्न मिलेगा हमें फोर्थ एनिवर्सरी पे रिवॉर्ड, ठीक है। बाकी गाइज ये थी रॉयल पास की लीक्स। उसके बाद में कुछ अपग्रेडेबल्स गन की स्किन आ रही है हमारे गेम के अंदर, जो कि 1.9 के अंदर कौन कौन से अपग्रेड गन की स्किन होने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइज यहाँ पर देखो एक M16 की स्किन आपको देखने को मिलेगी, और गाइज ये पहली M16 की स्किन होगी जो कि भाई साहब इसे हम मिथिक कर सकते हैं लिटरली। अब मिथिक का कैसे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मिथिक आप लेवल 7 कर लोगे तो मिथिक हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर M7 की स्किन आ रही है जो कि ये दोनों गन की स्किन आपको वो मिलेगी 1.9 के अपडेट के अंदर, उससे पहले नहीं आएंगी। उसके बाद में एक गन की स्किन और आ रही है जो कि भाई साहब वो होने वाली UMP की, UMP की काफ़ी टाइम से नहीं आई थी बट ये भी आ रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर से बताना, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी कैरेक्टर आईडी कमेंट कर देना गाइस, कल की वीडियो में एक रॉयल पास का गिव अवे भी हम निकालने वाले हैं। तो ख्याल लोग अपनी अपनी फैमिली का, लव यू ऑल मेरे भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।